नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था, तो उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन का। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता का नियम के जो जन्मदाता है वो कौन है, तो उत्तर है मेंडल। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो उत्तर है पुनर्जागरण से। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, तो उत्तर होगा 1933 में। अगला प्रश्न है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो उत्तर होगा फेफड़े को। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो इसका उत्तर होगा महानदी। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, तो उत्तर होगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो उत्तर होगा इसका रक्त का थक्का ना बनना। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, तो उत्तर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि मानव त्वचा का रंग बनता है तो किससे, मेलानिन से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो इसका उत्तर होगा हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो उत्तर है पोषण, उत्सर्जन, शोषण, उत्तर होगा इसका सभी आते हैं। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो उत्तर है इसका नर्व सेंटर और ब्रेन, यानी कि स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि सर्वर भी कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं, तो उत्तर है नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितनी हवा अंदर ले जाता है, तो इसका उत्तर होगा 500 ml हवा। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो उत्तर है 120 दिन का। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के जहर की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका उत्तर होगा अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो उत्तर होगा दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 1962 में। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो उत्तर है रिकेट्स। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो उत्तर है जनन शक्ति का कम हो जाना। अगला प्रश्न है कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, तो उत्तर होगा चिनाब नदी पर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए यूं ही नई नई वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।